हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव और आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नाभि के बारे में। और आपने सुना होगा कोडी, जिनकी कोडी डिग जाती है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाभि आप नए तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं। आइए वही देखिए। आप दोनों पैरों को बिल्कुल हाथ से देखेंगे, आप दोनों पैरों को बिल्कुल पास में लाएंगे, ऐसे पास में लेके आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनका अंगूठा, आप अंगूठे से पहचान सकते हैं कि इनकी नाभि किस तरीके से किधर गई हुई है। इनका अंगूठा छोटा बड़ा होता है, लेकिन ये अभी लेवल में है। अगर आपका ये वाला अंगूठा, उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपका एक अंगूठा कोई भी छोटा हो तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप पैर को नीचे हाथ लगाएंगे, एक बार अंदर की तरफ करेंगे, एक बार बाहर की तरफ करेंगे, एक बार अंदर की तरफ करेंगे, एक बार बाहर की तरफ करेंगे। इस प्रक्रिया को आप 5 से 7 बार करेंगे और आप फिर उसको बराबर में करके देखेंगे कि अंगूठा बराबर हुआ या नहीं हुआ है। तो आप एक तो ये तरीका है नाभि को पहचानने का और ठीक करने का। और दूसरा जो तरीका है वो है यहाँ से, और हमारा जो दूसरा तरीका है नाभि पहचानने का, वो आप कैसे पहचान सकते हैं। आप इस तरह करेंगे हाथ को, उसके बाद उनकी नाभि के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन सा आपको महसूस होगा, धड़कन सी महसूस होगी। अगर आपकी बिल्कुल सेंटर के अंदर धड़कन है तो आप समझिए कि आपकी नाभि बिल्कुल ठीक है, अगर ऊपर नीचे हो तो आपकी नाभि ठीक नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं, जो दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है कोडी। कोडी आपको कहाँ मिलती है? आप नाभि से 4 उंगली नेपेंगे और आपका ये वाला जो पोर्शन टी पॉइंट जो बनता है आपका, ये वाला एक यहाँ खड्डा जो पड़ता है, उसके बाद ये आप यहाँ पे हल्का सा दबा के देखेंगे कि उनको दर्द है या नहीं है। आपको दर्द है? नहीं है। तो इनकी कोडी भी ठीक है। अगर आपको कोडी आपकी दिख जाती है तो आपको यहीं पेन मिलता है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप हल्का सा तेल लेंगे या पाउडर लेंगे और उसको इस तरह यहाँ पे दाने के बराबर वो मिलेगा, एक गोली मिलेगी, जैसे एक चना होता है छोटा दाना, उसके बराबर एक गोली मिलती है और उसी को हम अंदर तरफ सेट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोडी को ठीक करने के 3 से 4 तरीके हैं। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन बनता है ये वाला, इस आपने देखा होगा आपका ये जो है ना, यहाँ पे टी पॉइंट बनता है, जहाँ खड्डा पड़ता है हमारा, वहीं कोडी होती है और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेशर करते हैं। कैसे? आप ऐसे हाथ रखेंगे स्पोर्ट में, यहाँ पे हाथ रखेंगे स्पोर्ट के लिए और बिल्कुल बिच्छू बीच हाथ रखेंगे और उसको ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हाथ रखेंगे और बीच में ही ऐसे रखेंगे और उसको ऊपर तरफ प्रेस कर देंगे। इसको ऊपर तरफ प्रेस करना है। हमारा ये जो है पहला तरीका है कोडी पहचानने का, जो पॉइंट है वो क्या है, आप यहाँ पे नाभि से 4 उंगल यहाँ पे हाथ रखेंगे, जहाँ भी आपका टी पॉइंट बनता है वहाँ पे हल्का सा हाथ रखेंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जिनकी कोडी डिग जाती है, जिनकी कोडी डिगी हुई होती है उनको यहाँ पे पेन जरूर मिलेगा यहाँ पे, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। जब भी आप धरंड या कोडी ठीक कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट का पेट जो है वो बिल्कुल खाली हो, उन्होंने कुछ खाया ना हो, और ठीक करने के बाद आप उनको हल्का सा कुछ खिला दें या पिला दें, तभी वो अपनी जगह पे रुकी रहेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।